जैसलमेर में लगातार तीसरे दिन हिरण शिकार की घटना घटित हुई है। शिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि शिकार जैसी घटनाओं से बाज ही नहीं आ रहे हैं। दो दिन पहले भी इस तरह के मामले सामने आने से वन्य जीव प्रेमियों में भारी आक्रोश है। पोखरण के उजाला गांव के पास एक बार फिर चिंकारा हिरणों के शिकार का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी पर वन्य जीव प्रेमी मौके पर पहुंचे व वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र पोखरण में वन्य जीवों पर संकट के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद यहां वन विभाग द्वारा वन्य जीवों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते आए दिन वन्य जीव के शिकार की घटनाएं सामने आ रही है। क्षेत्र में चिंकारों के अवशेष मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके चलते इसकी संख्या में कमी होती नजर आ रही है। वन्य जीव कभी आवारा शानों के शिकार बन जाते हैं तो कभी शिकारियों के ग्राफ। पोखरण उपखंड के उजाला गांव के पास चिंकारा हिरण के अवशेष मिलने से इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना पर वन्यजीव प्रेमी व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए हिरण काफी दुबके होते हैं, ऐसे में घात लगाए शिकारियों द्वारा काल के ग्रास बन जाते हैं। इन दिनों क्षेत्र में शिकारियों के अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसके चलते क्षेत्र में शिकार की घटनाएं बढ़ने लगी है। वन रक्षकों की बेरुखी के चलते चिंकारों की संख्या में कमी देखी गई है। अब देखना ये है कि वन विभाग इस ओर क्या कदम उठाता है। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।